मध्य प्रदेश के खरगोन शहर के न्यायालय परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजित लोक अदालत में नगर पालिका, बैंक एक्सीडेंट, राजस्व, पति पत्नी संबंधी और बिजली विभाग संबंधी अनेक प्रकरणों का निराकरण किया गया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर अपने अपने प्रकरणों का निराकरण करवाया। इस दौरान पति पत्नी के बीच हुए विवाद का भी आपसी सुलह से समझौता हुआ। ग्राम उपड़ी सुनीता का विवाह 7 साल पहले हुआ था। पत्नी को बच्चे नहीं होने पर साल भर पहले अलग हो गए और सुनीता ने न्यायालय में आवेदन किया और आज लोक अदालत के माध्यम से आपसे समझौता हुआ। दोनों को पौधा भेंट किया और खुशी खुशी रवाना हुए। इसी तरह साल भर पहले हुई शादी के बाद पति पत्नी के विवाद के बाद अलग हो गए, जिसका न्यायालय में आवेदन देने के बाद आज समझौता हुआ और दोनों आपसी सहमति के बाद दोनों एक हुए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुनीता। शादी कब हुई थी आपकी? 7 साल हो गए शादी। 7 साल हो गए शादी की। यहाँ आप लोग आज कोर्ट में आए हैं, क्या समझौता हुआ आपका? क्या परेशानी थी आपको? परेशानी थी ये कि मेरे पति रखते नहीं थे और सास ससुर भी मेरे से झगड़ा करते थे, इसलिए मैंने ये केस लगाया। कब से अलग रह रहे आप? साल। शादी को कितना टाइम हो गया? 6-7 साल हो गए। साल भर की मेरे मम्मी पापा के घर रहती हूँ, वही बोले पहुँचाया था, बोले कि मैं तुम्हारा इलाज चलेगा, बच्चे था पेट में तो बच्चा खराब हो गया, इसलिए वो झगड़ा कर रहे थे मेरे से, तो वहीं पे मेरे मम्मी पापा के आज समझौता हो गया हमारा। आज समझौता कैसे हुआ? कोर्ट ने समझौता करवाया। आप साथ में रहना चाहते? आज आप कोर्ट में आए हैं, क्या मामला था आपका? बच्चे लड़े झगड़ा चल रहा था घर, केस लगा दिया। कितने दिन से अलग रह रहे हो आप? 1 साल। शादी को कितना टाइम हो गया? 7 साल। 7 साल शादी को हो गए? 1 साल से अलग रह रहे हैं। ऐसे ही घर है। दोनों पति के बीच में पारिवारिक विवाद था और अवेदिका जो थी सुनीता भाई, उसको संतान नहीं हो रही थी और संतान के लिए वो परेशान थी और उसके पति से बोलती थी कि संतान होना चाहिए, मेरा इलाज कराओ, उपचार कराओ। इस पर से दोनों के मध्य जो है आपसी विवाद हो चुका था और सुनीता जो है 1 वर्ष से उसके माँ बाप के साथ निवास कर रही थी। किस तरीके से सुलह हुई? सुलह हुआ ये हुआ है कि वकील साहब है पाटीदार वकील साहब, उनने उसको समझाया, उसके उसको बताया कि ये पत्नी के लिए जो है सारा तुम्हारा दायित्व है और संतान अगर नहीं हो रही है तो उसका इलाज उपचार कराओ। इस पर से दोनों के मध्य जो है आपसी राजीनामा हुआ है। कितने साल हो गए इनकी शादी को? उनकी शादी को 7 वर्ष हो चुका है। और अलग कब से रह रहे हैं? 1 वर्ष से अलग रह रहे हैं। क्या शुभ नाम सर आपका? युवराज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के